Tujuan kita berkumpul di sini. Lelaki ini adalah ke Bali. मलेशिया के पुलिस अधिकारी यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं। मलेशिया कैरी पाम प्लांटेशन के मंदिर में हुए फसाद से संबंधित मुख्य अपराधी है कब्बाली। पिछले 25 सालों से भुगत रही उनकी कैद की सजा आज खत्म हो रही है। रिहा होकर वो बाहर आ जाएं तो देश में फिर से कोई समस्या ना हो जाए, इसलिए उन्हें रिहा कर दे या उनकी सजा को जारी रखे, उस पर चर्चा चल रही है। उस दंगे में कब्बाली की बीवी को और उसके आदमियों को मारने वाला 43 गैंग का लीडर टोनी ली था। होटल इंडस्ट्री, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स का धंधा। मलेशिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट ना हो। विजय से यही टोनी ली की ताकत है। 43 गैंग का एक और दूसरा स्तंभ, पूरा केएल सिटी इसके कंट्रोल में है। विजय सिंह को पूरे मलेशिया में हुकूमत करने में मदद करने वालों में ये दो शख्सियत है। पहला लोकेश, ड्रग नशा पिल, ऐसे जाने जाने वाले कई खतरनाक ड्रग्स पूरे मलेशिया में यही सप्लाई करता है। अरबों का मुनाफा देने वाले इस बिजनेस में इसकी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता। दूसरा है शिवा, गैंग के खिलाफ उठने वाली आवाजों को मिटाना और हवाले का धंधा, पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट लेना, स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को गैंग में शामिल करना, ये सब इसका काम। देश में 43 का गैंगस्टरिज्म सरकार के कंट्रोल से भी बाहर निकल गया, तब सरकार ने उनके खिलाफ एक ऑपरेशन की मुहिम तैयार की। उस ऑपरेशन के दौरान पुलिस और गैंग के बीच गोलाबारी में से विजय सिंह बच के भाग गए। टोनी ने उस दौरान हुए हादसे में कार के साथ चलकर मर गया, ऐसा पुलिस का रिकॉर्ड है। इस तरह खत्म हुए गैंगस्टरिज्म। टोनी ली के बदले की आग में चलने वाले कब्बाली को रिहा होकर बाहर आ जाने से गैंगस्टरिज्म फिर से ना जाग जाए और दोबारा गैंगवॉर ना हो जाए, इसलिए कब्बाली को रिहा करे या ना करे, इसका फैसला करने की एक नाजुक परिस्थिति सरकार के सामने आई। नो, though he's in prison, he uses his influence to help Indian people, especially gangsters who drops out of schools and join gangsterism. He does all these things with the help of his friend Amir and an organization called Free Life Foundation. His thoughts and visions have changed. Furthermore, the problem is for him. They have tried to kill him 13 times inside the prison. Kita bebaskan je lah dia. Dah lah tua. Tulang rupuk pula tu. Kita boleh bebaskan dia. The government will take another way if needed. हेलो, सच बोल रहे हो? कल कबाली बाहर निकल रहा है, कंफर्म है? कौन आ रहा है? कबाली। ओके ब्रो, यही मौका है, कल बाहर आ रहा है, उसे टपका लो ब्रो। हाँ भाई, कल वो छूटने वाला है, बाहर निकलते उसको टपका देते ना, 43 का पावर दिखा देते साले को। ये क्या बोल रहे हो भाई? ओके भाई, ओके भाई। ये वादा रहा। शीला चप जा रही थी सिंधी। We'll be right back.
आपकी किस्मत बोले थे जल्दी बाहर जा रहे हैं। हाल ही में 40 लोगों का इनकाउंटर, उनमें से 30 से भी ज्यादा लोग इंडियंस, हिंदुस्तानियों का नाम बदनाम हो गया। यूनिफॉर्म पहनने के बावजूद मुझे भी शक की निगाहों से देखते हैं। प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ, बाहर जाके शुरू मत हो जाएंगे। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। बहुत खूब। वो क्या है कि 43 वाले आप ही को टारगेट। आमिर, तुम आ गए भाई, माशाल्लाह, तुम्हें एक बार सीने से लगा। आजा राजा, आजा। तुम आ गए भाई, मेरे लिए यही काफी है, बस। चल। ए, संपत। हाँ भाई। रवि, ये क्या लंबे लंबे बाल? कैसे हैं भाई? भाई कमाल के दिख रहे हो। गुड गुड गुड। आपके होते हुए हमें किस बात की कमी है भाई? सब अपने लड़के हैं भाई। ओके, अच्छे बच्चे। गुड गुड। ये मास्टर है अपने स्कूल का। नमस्ते सर जी। तुमसे मिलना चाहता था। तुम अच्छे तो ना भाई? कैसा लग रहा हूँ? Awesome भाई। वो अपनी गाड़ी है भाई। तुम्हारी तरह परफेक्ट कंडीशन में। तुम्हारी फेवरेट लव बर्ड। सुपर। सब इंतजार कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। फ्लैट में तो जश्न मनाया जाएगा। थैंक यू, सारे लड़के पहुंच गए। गार्डन एरिया। और ये देखा, यहीं पे अपने राम प्रसाद जी रहा करते थे। सब कुछ बदल गया ना भाई। भाई वो देखो, दिन दहाड़े ड्रग्स का लेन देन चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे और काम देखो कैसा कर रहे हैं भाई। वाकई कलयुग है। 43 गेंद के क्या कर सकते हैं। अपना फ्री लाइफ स्कूल है ना, उसमें ज्यादातर ऐसे गैंग में रहकर जिंदगी बर्बाद करने वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं। भाई जरा यहाँ तो देखो, अगर ब्याज का पैसा ना चुकाया गया तो वार्निंग, लाल रंग डाल देते हैं। वार्निंग देने के बाद भी नहीं चुकाया तो फिर धुलाई होती है, उठा के ले जाते हैं। वही 43 डॉनी ली, विजय सिंह और इनके अलावा शिवा, वो हमेशा पेट शॉप में ही रहता है। कहाँ है वो पेट शॉप? भाई वही है शिवा की दुकान, नाम के लिए बैठ जाओ पर अंदर सब इलीगल स्मगलिंग है। संपत भाई, क्या करना चाहिए? पिंजरे में रहना कितना मुश्किल है पता है? छोटे छोटे लोहे के दरवाजे हैं, खोल दिया तो खुला आसमान, खोल दिया तो मर जाएंगे भाई, दूसरे पक्षी नोच डालेंगे। ये पंछी जन्म लेते हैं उड़ने के लिए, उन्हें खोल दो, जीना या मरना उनके नसीब की बात है। तेरा ये रहम उनके लिए मौत से भी बदतर है। और बोलो क्या खातिर करो? गर्मा गर्म चाय मिलेगी? हाँ, चीनी कम डाल के। नहीं चाहिए? नहीं 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 चाहिए। लगता है सीधे यहीं पर आ रहे हो। बोलो क्या बोल रहा है? <laughs>
हिंदी फिल्मों में यहाँ काला दिल बड़ी बड़ी मूछे लुंगी पहने हुए को अमरीश पुरी ओए कबाली ऐसे बुलाते ही सर झुकाकर जी मालिक बोलकर खड़ा हो जाता है ऐसा कबाली समझा है क्या कबाली है ये आज से 25 साल पहले जैसा गया था कबाली पैसे का पैसा ही वापस आ गया है जाकर बोल धोनी ली और विजय सिंह दुनिया के किसी भी कोने में हो वो मेरे सामने आकर खड़े होने चाहिए चिकन मसाला अपने बच्चों को अपने अंदर छुपाता है और अंत तक उनको बचाने की कोशिश करता है फड़फड़ाता है तभी मारने का मजा आता है कड़ा टेस्ट है ऐसी मस्त मछली को खाना है ना तो पहले उसकी खूबी जानो तभी इसको पकड़ सकते हो और इसको खा सकते हो इसी मछली की तरह है वो कबाली मरेगा मेरे ही हाथों लेकिन अभी नहीं अभी टोनी ली भी यहां नहीं है ऐसा मारूंगा ना
उसे पता भी नहीं चलेगा मौत कहां से आई, बचेगा नहीं। वेट कर दे। दबा के खाओ। ये क्या है बेटी? मटन है अंकल। रखो ना। वाह फातिमा, कमाल का टेस्ट है, मार डाला, बिल्कुल मेरी बीवी के जैसा। शुक्रिया भाईजान, भर पेट खा। ये क्या बोल रहे हो? सचमुच भाई? सच बोलो ना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरी बीवी के हाथ में जादू है भाई। बहना, तेरे हाथ का खाना बढ़िया है, कहा तो ये मान ही नहीं रहा, कसम खाने को कह रहा है। तुम दोनों ही निपट लो। जिसकी जी भी ना हो वो स्वाद क्या जाने। किसकी जी नहीं है? देख भाई, देखो ना, बड़े दिनों बाद इतना बढ़िया सा खाना खा रहा हूँ, मजे से खाने तो दे। मैं मजाक कर रहा था भाई। चलो जल्दी खा लो। उसके हाथों में वाकई जादू है, तुम खाओ ना भाई। क्यों नहीं चाहिए फातिमा? माँ बनने वाली औरत को इस तरह नजरअंदाज करोगे? क्या करूँ? तुम्हारी बाहों में सो जाना चाहती हूँ। भाई ज्यादा कुछ मत सोचो, हम सब लोग हैं ना। तू जा आमिर, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे, तुम लोग जाओ। ठीक है भाई। को यही कहीं दफनाया है, अपने से कोई नहीं था, इसलिए पुलिस वालों ने ही सभी लाश। ए भानु, आजा आजा आजा, यहाँ कैसे अचानक मेरी याद आ गई क्या? जो मिलने चले आया शाहरुख खान, मैं तो कबाली मचने मिलने। भाई कैसे हैं आप? भाई मुझे नहीं पहचाना, मैं भानु हूँ। भानु भानु, क्लैंग में आपने ही मुझे पढ़ाया, स्टेट में मैं फर्स्ट आई थी भाई। अरे 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 भानु, मैं घबरा गई थी। शादी तो हो गई ना, शौहर क्या कर रहा है? सब हो गई, लेकिन क्या फायदा, बुरा मत मानना, ड्रग्स ही बेचती थी। पढ़ते वक्त बहुत सारे सपने थे, नहीं जानती थी कि किस पर भरोसा करूं। प्यार किया, बड़ी बड़ी बातें की उसने, सब के सब फिल्मी डायलॉग, और आखिर में गोद में एक बच्चा भी दे दिया। एस्टेटो में आंदोलन हुआ था ना, तब कहा कि वो इंडिया जाएगा, मैंने मना किया लेकिन वो चला गया, तब जो गया आज तक नहीं लौटा। क्या किया जाए, खैर मेरा बेटा भी बड़ा हो गया। जीवा यहाँ आना। मेरी जिंदगी तो गई, इसे पढ़ने के लिए कहा तो मान नहीं रहा, नौकरी पे जाता है मारपीट करके लौटता है। ये एक टांग पे खड़ा है कि तुम्हारे साथ ही काम करेगा, तुम्हारे साथ रहा तो सुधरेगा सोच के ले आई हूँ। तुम ही संभालो। रो क्यों रही है? भाई सब देख लेंगे। अपने भाई के सामने तो रो रही हूँ। भाई तुमने बुलाया था ना भानु का लड़का जीवा, वो आया। भाई गाड़ी रखो, जय बुलाओ उसे।
अरे सुनो, आ जाओ गाड़ी में बैठो। भाई यहाँ सब कुछ फातिमा ही है। गुड गुड। हमारे स्कूल से हर साल 70 बच्चे ग्रेजुएट बनकर निकलते हैं। सब हिंदुस्तानी है, 16 साल से 20 साल की उम्र वाले, दूसरे स्कूलों से ड्रॉप आउट, सभी किसी ना किसी गैंग में थे। भाई आ जाओ इस तरफ, इस तरफ। ये हथियार हमारे लड़के गैंग में इस्तेमाल किया करते थे, उनके पास से हमने जब्त करके यहाँ रखे। यहाँ ये देखो भाई, ये एक्सेसरीज हर एक गैंग के सिंबल्स कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए लेकर रखे हैं। हमारे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन रहने चाहिए ना। आई अप्रिशिएट इट, थैंक्स। चलो अंदर चलते हैं। इस तरह से फाइल अब तक कैसे करो। आओ जी। ए कुर्सी लगाओ, भाई ये साहब कौन है जानते हो? इन्होंने ही हमारे स्कूल के लिए ये बिल्डिंग दी है और स्कूल चलाने में हमारी मदद करते आए हैं। उन्हें एक स्पेशल फ्री लाइफ सैल्यूट दे दो। फ्री लाइफ सैल्यूट। ए तू क्यों खड़ा हुआ? एक जगह टिके बैठ नहीं सकता? मैं तो बैठा ही हूँ ना। वो ऐसा ही है सर, वो कभी एक जगह टिकता नहीं, सबके नाक पे दम कर रखा है। उससे नाम पूछो। क्यों पूछो तो सही, तुम्हारा नाम क्या है? ए, खड़ा हो जा। ना पूछ रहे ना, बता। मनमानी करने का पनिशमेंट जानता है ना? टाइगर। टाइगर। ए, तू किस गैंग का? 43। भाई कौन है जानता है? 00 वाला भाई है कह रहे थे। जबान चलाता है, पढ़ लिख कर क्या करेगा तू? गैंग में ही काम करूंगा और क्या। भाई की गैंग में आएगा? हमारा गैंग ही 1 है। कितनी अकड़े देगा। बस बस बैठ जा। ए मीना, उसे देखी तू क्यों हंस रही है? मैं कब हंसी? टाइगर को बात करते हुए देख रही थी। उसे देख के ये हंसी ना? हंसी नहीं दीदी, झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, कसम से मैं नहीं हंसी, प्लीज दीदी, मैं सच बोल रही हूँ। सब लोग मुझसे इल्जाम लगाते रहते हैं। सर, देखने में आप मेरे पापा जैसे लगते हैं। पापा आप ही बताइए मैं हंसी थी क्या? चिंता की कोई बात नहीं। चलो भाई। उसका नाम मीना है भाई, हमारे वहीं रहती है सनवे फ्लैट में। पढ़ाई के दौरान ही सामने वाले फ्लैट के चर्सी से प्यार हो गया। वो अधेड़ उम्र का था, बच्ची को बहला फुसला कर उसे प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद वो कमीना उसे छोड़कर चला गया भाई। वो छोटी उम्र में ही माँ बन गई थी, इसलिए बच्चे को संभालने के लायक नहीं कहकर चाइल्ड केयर वाले उसके बच्चे को लेकर चले गए। वो पूरी तरह टूट गई। महेश ने उसे हमारे स्कूल में भर्ती कराया। डिप्रेशन की वजह से वो नशे की गुलाम बन गई। ड्रग्स के लिए वो कुछ भी कर सकती है। उस लड़की ने मुझे पापा बुलाया ना, बेचारे। अगर मेरा भी बेटा या बेटी होते तो उसी की उम्र के होते ना। हमें संभल कर रहना होगा, पता नहीं कब क्या हो जाए। पुराने जमाने की बात अलग थी, आज अलग है। आज जहां भी देखो 43 वाले हैं। टोनी ली के बगैर विजय सिंह राज कर रहा है। ऐसे मौके पर आप जाके शिवा को अमेजिंग फिश, वेल कुक लंजाय, बगड़िया, अच्छे से खा लो महेश। मुझे सी फूड हजम नहीं होता। सब हजम हो जाएगा, खा लो। कोई भी काम करने नहीं दे रहे हैं भाई, कुछ भी करने निकलो तो हफ्ता मांगने लगते हैं। बांग सुमो कौसान ने होडा कोंक अम्पांग भुकी पिंतांग काजांग मचा माने ना बिजनेस बांग। बियर खान, बियर खान। ए मैं भी गैंग वालों में बोल के देखा लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं। जॉनी लीवर की तरह मैं भी गुंडा हूँ, मैं भी गुंडा हूँ, बोलते रहो बस। कोई फायदा नहीं भाई, सब मुझे शरीर समझने लगे हैं। देखा जाए तो काफी लोग ही यहाँ रह सकते हैं। हमें अगर जिंदा रहना है तो बाकी सब नजरअंदाज करना होगा। पैसा, पावर,
अगर इन्हें हासिल करना है हमको तो सब काम करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, पुलिस की नजर में 43 भी बुरे हैं और हम भी बुरे हैं। हम नेक काम कर रहे हैं कहकर हमारी जान बख्श नहीं देंगे वो। हमारे काम को देखकर पब्लिक को हम पर फक्र होना चाहिए। डर नहीं, इस देश में कहीं भी देख लो, यहाँ के लोग और चीनी हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे लोग हमारे दुश्मन है। लोगों से भरोसे की उम्मीद कैसे करें है? 43 गैंग जो करता है वही हम लोग भी करते हैं। क्या ड्रग्स का धंधा करने वाला आम में नहीं है क्या? ये सब फिजूल की बातें। भाई के जमाने में लड़कियों का धंधा और ड्रग्स मना था, आज भी वैसा ही है। जब तक मैं मौजूद हूँ किसी को ये सब करने दूंगा? तुम इस गैंग में ड्रग्स का धंधा करते हो? क्यों बेटा, मजाक सोच रहा है? कपाली भाई, आपका भरोसा मेरे लिए काफी है, वही काफी है। मैं कभी आपके बातों को ठुकराऊंगा नहीं। अच्छे से खा लो महेश, भरपेट खा लो। क्यों रुक गए, खा लो ना। बैठ भैया, बैठो ना। अरे बैठो ना। अरे अपनी सेहत का ध्यान रखना। क्यों? हाँ मैं तो ध्यान रखूंगा, कोई बात नहीं, आप अच्छे से रहिए। हम तो अच्छे से ही रहेंगे। सुनकर खुशी हुई, चलता हूं। वक्त बदल रहा है पर मसला वैसे का वैसा ही है, और एकता इस महेश की तरह है। वो फ्री लाइफ, स्कूल के बच्चों को देखा तो दिल में, हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, इसी के लिए हमने तकलीफ उठाई? वो बच्चे, मैं जानता हूं मेरे पास वक्त बहुत कम है, वो लोग सर उठाए उससे पहले हमें कुछ करना होगा। वो टोनी ली और उसकी गैंग आज इस मुल्क में, वो भी हम इंडियंस के खिलाफ होने वाले जुल्मों को रोकना होगा। जिस ताकत के लिए वो लोग ये सब कर रहे हैं उसका अंत करना होगा। उनकी करतूतों को हमेशा के लिए बंद करने का वक्त आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट, इट इज द बिगिनिंग ऑफ दिस एंड। अब 43 गैंग की ताकत तोड़नी होगी। ड्रग्स नहीं उसकी ताकत है, ड्रग्स को तोड़ दो तो टोनी ली टूट जाएगा। क्या तेरी माँ ड्रग्स बेचती है इसलिए? भाई आज सबसे ज्यादा कमाई गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन में है, उसे कंट्रोल करना काफी है। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 50 सेंट की कोला को मार्केट में 2.5 रिंगट में खरीदते हैं, बनाने वाला, एडवर्टाइजमेंट वाला, सरकारी टैक्सेस, होलसेल का एक प्राइस है और डीलर का एक प्राइस है। इसके ऊपर थिएटर्स, मॉल्स, उनका अलग प्राइस है। ठीक उसी तरह है ड्रग्स भी, हर खरीदार का अलग अलग प्राइस है। एक रिंगट डालो तो 100 उठा सकते हो। इस बीच हाथ बदलने वालों का बहुत बड़ा चेन लिंक है, उनकी गर्दन उड़ा दो तो पूरा नेटवर्क खत्म। 43 के टोनी ली के ड्रग्स का धंधा संभालता है लोकेश। वहाँ काम करने वाले सभी छोटे छोटे इंडियन बच्चे हैं, सबके सब स्कूल ड्रॉपआउट्स हैं, रोजी रोटी के लिए वहाँ जाते हैं, यहाँ तक कि अपने स्कूल में भी उसी की ड्रग्स बिकती। वो जो टाइगर है ना, वो भी तो लोकेश के लिए ही ड्रग्स बेचता था। ए, अब बस कर। यस लोकेश, फौरन उसके साथ मीटिंग अरेंज करो। नहीं हम ही जाएंगे। दो मिनट, तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों लोकेश, क्या चल रहा है? क्या चाहिए, सीधी बात कर, डोंट वेस्ट माई टाइम। ओके, ओ ये बात है। बता ड्रग्स कहां से आ रही है? क्यों तुम्हें भी चाहिए? सुपर आइटम है, मैं जो क्वालिटी देता हूँ वो कहीं नहीं मिलेगी। वैसे तुम्हारे लोग तो ड्रग्स नहीं बेचते हैं ना? अच्छे चाल चलन वाला गैंग है। क्यों
मेरे से खिलवाड़? आज से गोलियां नहीं बेचोगे, सब बंद करना है, बस इतना ही। बिल्कुल नहीं, तू यहां से पूर हो जा वरना बेमौत मरेगा। ए बॉयज, इस आदमी को बाहर जाने के लिए कहो, कामखा बैठ के दिमाग चाट रहा है। हे सुपर। अच्छा तो ये बात है। अरे ये तो मैं ही हूँ, बहुत जवान लग रहा हूँ ना, उस जमाने की एक भी फोटो नहीं है मेरे पास, एक फोटो खींच लेता हूँ। ठीक है मुद्दे पर, तब मैं नादान था, मुझे बुलाया मैं आ गया, बस उतना ही, मैंने वहाँ कुछ नहीं किया, अब चलता फिरता नजर आ। ए, इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। अरे रुकना, सुनना है तो सुन ले, जब तेरी बीवी आखिरी सांस ले रही थी तो उसे ले जाके मारने वाला वो कुत्ता वेणु था, हो सके तो उसे पकड़ कर खत्म कर, नहीं तो मुझे बोल, मैं टपका दूंगा साले को। मेरी ड्रग स्टोरी कर ली उसने, पता है कितना नुकसान हुआ मेरा, अगर तेरी बीवी जिंदा भी बच जाती तो वो साला उसे भी अच्छी कीमत पे बेच देता, लड़कियों के मामले में तो वो उस्ताद है। बुढ़ियों को भी नहीं छोड़ता कमीना। तो फिर सोच ले। बहुत खूब। Unless we take him out. हाँ भाई, सारा धंधा चौपट कर दिया उसने, उसको टपका नहीं पड़ेगा। योगिता, उसी को ये काम सौंप देंगे, कोई सपने में भी नहीं सोचेगा ऐसा काम करती हो। उसी को बुलाता हूँ, एक पूजा रखते हैं, सारे लड़के परेशान हैं, साला कपाली और पुलिस मिलकर हमारा खेल बिगाड़ रहे हैं। बुला लो उसे। किसी को खबर हो ना किसी को शक हो, ऐसे किसी शख्स को ये काम करना चाहिए, इसलिए तुम ही सही रहोगी, ये काम तुम ही कर सकती हो। शिवा तुम्हारे साथ रहेगा, सारा इंतजाम यही करेगा। ए, मेरा चेहरा यहाँ है। ठीक है, मैं निपटा दूंगी। भाई तुम्हें पता है विजय सिंह मैदान में उतर गया, कल ही श्री गणेश किया उसने। अगर तेरी बीवी जिंदा भी बच जाती तो वो सारा उसे भी अच्छी कीमत पे बेच देता। पता नहीं दिल में कुछ अजीब सा लग रहा है, अगर आज रूपा जिंदा होती
तो कहां होती, किस हाल में होती, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल नहीं मान रहा कि वो नहीं है। मुझे फौरन वेणु से मिलना है। वेणु, पुलिस रिकॉर्ड में से ये फोटो मिली। बतके में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, मामा मेरू, वहां गए तो वो मिलेगा। जानते कि मैं कहां हूं? मैं कब से इंतजार कर रही थी। मां बनने वाली को बहुत परेशान कर रहे हो। कॉलर में इतना मैल कैसे? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? कुछ नहीं करेंगे, फास्ट चलो। चला दिखा। कुमार तू है भाई? ये राम प्रसाद का बेटा कुमार है भाई। ऐसा क्यों किया तूने? पूछ रहा हूं ना, बोल। मेरे बाप को तुम्ही ने मारा था ना, तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो गया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुमको, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्याम प्रसाद का बेटा है कुमार भाई। दरअसल उसने नौकरी मांगी थी, तुम्हें पता चला तो इसलिए नहीं बताया। ऐसे वो अच्छा लड़का है, वो क्या है कि सॉरी भाई, लेकिन उस लड़के के मन में ऐसा कुछ इरादा है मैं समझ नहीं पाया।
श्याम प्रसाद का बेटा इतना बड़ा हो गया, आज मेरे ही सामने मेरी जान लेने पर। अभी मेरी जिंदगी में और क्या क्या देखना बचा है मैं खुद ही नहीं जानता। सपने में चाहे जितनी भी तकलीफें हों, आंख खुलते ही सारी तकलीफें मिट जाती है। काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती तो कितना अच्छा होता। भाई फिक्र मत करो भाई, जीवा उसे लाने के लिए गया। सुनो आमिर, आप तैयार है ना, तो चले। ग्रेजुएशन फंक्शन है उसी के लिए। आज एक बैच का कोर्स खत्म हो रहा है, सब अपने घर चले जाएंगे। उससे पहले आपसे मिलके आपकी बात सुनना चाहते हैं। मुझसे मुझसे क्यों मिलेंगे? आइए एक बार मिलिए ना भाई। पापा प्लीज, पापा चलिए ना, आइए ना। चलो। तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, इसे भी बैठा। सबको नमस्कार। सर अपने लाइफ एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए पधारे हैं। ये इस पीढ़ी के पहले ग्रेजुएट हैं। ये ऐसे कैसे बन गए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या पाया है, क्या क्या खोया है, ये बताने के लिए आए हैं। आप इनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, क्यों पापा? हाँ हाँ, लेकिन उससे पहले हमारे स्कूल में पढ़ाई खत्म करके इज्जत की नौकरी करने वाले शिवदास भैया अपने जाके बात करेंगे। भाई पिछले साल इसने पास आउट किया था। नमस्ते सर। सबको नमस्कार, मेरा नाम है शिवदास। मैं भी तुम्हारी तरह था, स्कूल ड्रॉप आउट, ड्रग्स का धंधा किया, कम उम्र में कट्टा भी चलाया। इसे स्कूल में आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। फातिमा दीदी, आमिर भाई, कुमार सर, इन्होंने मेरी अच्छी देखभाल की। अब मैं पेट शॉप में काम कर रहा हूँ, मैं खुशी से रह रहा हूँ। तुम भी अच्छे से पढ़ लो और मजे से जियो। सबको मेरी तरफ से थैंक्स। आप पापा से कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आप हमेशा सनग्लास और सूट बूट में घूमते हैं क्या? ये गर्मी का मौसम है सर जी। कैसा सवाल है ये, बैठ जा। सर किस गैंग के थे आप? सब कहते हैं कि आप बहुत बड़े डॉन थे। ए, ये सब जानना जरूरी है तेरे लिए? इसे मत रोको, इन्हें जो पूछना है पूछने दो, कोई बात। सर सट्टा कभी चलाया आपने? सर ये कट्टा चला था सर। हाँ साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक भाई ने दिया था, बस हीरो की तरह ठिक्के ठिक्के ठिक्के, बहुत मजा आया था साहब। एक दूध के दांत टूटे नहीं, कट्टा चलाएगा, बैठ जा। सर इंडिया में आप किस गांव से हैं? हम जिला रामपुर से आए थे। मेरे पूर्वज यहाँ एक अरसे से गुलामी करते थे, उसके बाद मेरे पिताजी के जमाने से गोरों की एस्टेट में काम करते हुए पढ़ाई की और इस मुल्क की तरक्की में। आप पढ़े लिखे हैं, आप गैंगस्टर कैसे बन गए? Think you are equal to them, the Chinese, Kabali? Of course, we are not equal to Chinese. Saab ke dasne se, bimari se, bhuskhalan mein mare hamare dada pardadaon ki laashon par khade hain ye jungle, mitti aur ped paude. Hum chiniyon se kam nahi hain. Unse 10 guna zyada mehnat karte hain. Hum unse zyada mehntana nahi mang rahe. Unhe jo diya jata hai, wahi pagar hame bhi chahiye. Usse ek pai bhi kam doge, to aapki estate mein hame se ek bhi aadmi kadam nahi rakhega. We are not slaves. We are employees. You are employer. You should treat everybody equally. That is your duty. Try to understand it. Otherwise, you will face the consequences. I am not threatening you. I am warning you. If you think I am threatening, I will. Yes. साथ में मुझे मिलने बुलाए, मैं आमिर के साथ उनसे मिलने गया। मुझे मिलते ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीने से लगा लिया। वहां मौजूद सभी लोगों के सामने मेरी बहुत तारीफ की। आना है कबाली, तुम्हें आना होगा, तुम्हें भी आना है। चाहे जो कोई भी आए, हर किसी को उनका साथ देना ही होगा। सर वो किसी से भी नहीं डरते थे। वो और डर
रामप्रसाद जी बोला करते थे, भाई और बहनों, क्या है धर्म, क्या है धर्म? हमारी जो जरूरतें हैं वही धर्म है, वही इंसाफ। उस धर्म को हमें हासिल करना ही होगा। क्या ये हमारा हक नहीं है? रबर सेठ से ज्यादा पाम ऑयल में फायदा है जानते ही। पल भर में मेरे भाई बहनों के खून पसीने को दबा के निचोड़ के चूस लेने के बाद आज कचरे की तरह पीस सड़क पर फेंक दिया है। बेसहारा होके खड़े भाई बहनों के लिए आखिर हमने मांगा ही क्या है? सोचो कि तुम्हें किसी ने जोर से चांटा मारा है, जवाब देना चाहोगे ना? क्यों मन में दबा के रखे हो? रो, चिल्लाओ, खुलेआम चिल्लाओ, लोगों को सुनने दो, वो अनसुनों की तरह पेश आएंगे। गला फाड़ के चिल्लाओ, चिल्ला चिल्ला के जान दे दो। कभी ना कभी उन्हें सुनना ही होगा, रिएक्ट करना ही होगा। ये आंदोलन किसी एक के लिए नहीं है, एक परिवार के लिए नहीं, एक कौम के लिए, आवाम के लिए है ये आंदोलन। कबाली, उस छोटे से स्टेट में अकेले ही तुमने बड़ा काम किया है, उसी के साथ दुनिया खत्म हो रही है। आ जाओ केयर टाउन में, आ जाओ, वहाँ हजारों लोग तरह तरह की तकलीफें झेल रहे हैं। आवाज दो, अपने भाइयों के लिए लड़ो, टक्कर लो। कबाली को आना होगा। हटो दीदी। आज मैं किनसे मिला पता है? हमारे नेता से, रामप्रसाद जी से। ओहो, अपने नेता से हुई मुलाकात के बारे में रात भर मैं अपनी बीवी से बोलता रहा। अपनी पत्नी को आप बहुत चाहते थे? बहुत चाहता था, बहुत प्यार ना? और कुछ होना हो ये जरूर जानना है। मैं बताता हूँ, बता सकता हूँ ना भाई? लव मैरिज ही है, प्यार भी ऐसा प्यार, तुम्हारे या मेरे प्यार की तरह नहीं, गहरा प्यार। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लड़की वालों ने मना कर दिया, हम हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं भी जाएं, कुछ साथ ले जाएं या नहीं, जात पात चानो चौकत जरूर ले जाते हैं, यही समस्या थी। लेकिन हमारी भाभी सबको ठोकर मार के भाई के पास आ गई, पता है? उसके बाद क्या, मैंने ही दोनों की शादी करा दी। हाँ बिल्कुल, इन्हीं महोदय ने मेरी शादी कराई थी। वो तो मेरा पर्स था भाई, पहने हुए कपड़ों में ही मेरे भरोसे चली आई थी। वो दिखने में कैसी थी? बड़ी सुंदर थी, क्या नाम था उनका? उनका नाम था रूपा देवी। नाम भी कितना खूबसूरत है ना, उनके नाम की तरह वो भी बहुत सुंदर थी। वो जब हंसती थी ना, उनका पूरा चेहरा खिल जाता था। कविता बहुत बढ़िया है सर। सर ये भी कविता लाए सुनाने के लिए। अरे रुकना, हाँ भाई, मुस्कान के बारे में। अरे उठ के सुनाओ। तेरी मुस्कान से मेरी सांसें चलती हैं, मेरी सांस अगर रुक भी जाए तो इस मुस्कान को बचा के रखना। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक ऐसी ही थी रूपा देवी की मुस्कान भी। उस मुस्कान पर फिदा हुआ था मैं। उतनी खूबसूरत थी तो उन्होंने आपको कैसे पसंद किया? अरे खिंचाई कर रही हो हाँ? काला हूँ पर ताकत वाला हूँ, मुझे देखते ही बेहोश हो गई थी वो। बेहोश हो गई? आपको देखे ये हम मानेंगे क्या? कान खींच रही हो? सब लोगों ने यही पूछा, मैंने भी उससे पूछा, तो पता है क्या कहा उसने? तुम्हारी आँखों की मस्ती ने मुझे बेहोश कर दिया है, अब मैं कभी होश में नहीं आना चाहती, मरते दम तक। तुमसे तुम्हारे काले रंग को छीनकर मैं अपने आप को रंगना चाहती हूँ, इस कदर प्यार है तुमसे। अगर आज मैं इतना ताकतवर महसूस करता हूँ तो उसकी वजह वही है, मुझे मोटिवेट करती रहती थी वो, छोटी से छोटी बात क्यों ना हो। उसने तुम्हें मारा ना तो पलट के मार के अच्छा किया, कंफ्यूज मत हो। जब गुस्सा आता है कुछ भी मत सोचो, ब्रीथ जाओ। गलत काम करने वाले सभी खुलेआम कर रहे हैं, तुम अच्छा काम करते हो तो खुलेआम करो, समझ गए ना? मेरी रीढ़ की हड्डी थी वो, रामप्रसाद जी के कत्ल के बाद जब मैं टूट गया था तब उसी ने मुझे दोबारा खड़ा किया। आप सच कह रहे हैं सर? वो इतने बड़े आदमी हैं, कौन है वो? हिंदुस्तानी ही है, और कौन? केकड़ों का किस्सा पता है तुम्हें? ये किस्सा तो सब लोग जानते ही हैं। इन केकड़ों को किसी बर्तन में डाल दो तो वो बाहर आने की कोशिश करते हैं, पीछे जो केकड़ा है वो बाहर आने के लिए ऊपर वाले केकड़े को नीचे गिराकर वहीं बर्तन में छोड़ देता है। इस तरह सब कोशिश करते हैं पर एक भी बाहर नहीं निकल पाता। ठीक ऐसे ही हम भी हैं, अपनों को बढ़ने नहीं देते। इस कहानी का केकड़ा है विजय सिंह। रामप्रसाद जी सिद्धांत वाले थे, गैंग की अहम कंडीशन थी लड़कियों का धंधा नहीं करेंगे और ड्रग्स का धंधा बिल्कुल नहीं।
उन दिनों इस मुल्क में ड्रग्स का आना शुरू हो गया था और चीनी लोग उसका फायदा उठाना चाहते थे, जो राम प्रसाद जी को मंजूर नहीं था। चाहे सब कुछ गंवाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन नशीले पदार्थों को नहीं आने देंगे। ठीक है। थे उन्हीं के हाथों चीनियों ने उनकी जान ली, सिर्फ पैसों के लिए। तभी मैंने फैसला किया वैगली और विजय सिंह का खात्मा करूं। वीरों की भीड़ में एक साथी है ये तेरा, वीरों की भीड़ में एक साथी है ये तेरा, धरती पे ये खड़ा। कहीं से कोई आ जाता है और राम प्रसाद कहलाता है, एक तो तू बनेगा या फिर मैं। आना सबके आंसू कोई समझेगा। और चार लोगों से मिलते हो, चार जगह जाते हो, लोग कपड़ों से आदमी को परखते हैं। कौन इसका फैसला करता है कि किस शख्स को किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए? बदलना मन की आवाजें सुन गई जब इसकी तलवारें, दीन दुखी को यही दान करता है, दान के संग सम्मान करता है। चाहे दिन में कहे या रात में, कोई फर्क न इसकी बात में, ये साथियां कभी छोड़ेगा ना तुम्हें। वीरों की भीड़ में एक साथी है ये तेरा। अपने फायदे के लिए, अपने पावर के लिए, अपने मुनाफे के लिए तुमने खबर बनाकर बाप के पेड़ लगा दिए। उसी वजह से ये सूट बूट पहनता हूं, वरना इस धूप में इन्हें पहनकर मैं क्यों घूमूंगा? ये तो सिर्फ कपड़े हैं, मैंने इन्हें अपनाया और मुझ पर नए राम प्रसाद की मोहर लग गई। वो टोनी ली और विजय सिंह ने मेरे दोस्त श्याम प्रसाद के हाथों मुझे और मेरे परिवार को। एंगली सबसे बड़ा डॉन, खास करके चीनियों में सबसे अच्छा आदमी था। उसने सभी गैंग वालों को बुलाकर एक दावत दी जिसमें हम भी गए थे। वहां टोनी ली भी अपनी गैंग के साथ आया था। आई एम सो हैप्पी ऑल ऑफ यू कैन गेट हियर टुनाइट। दिस मीटिंग इज प्योरली टू स्ट्रेंथन आवर फ्रेंडशिप। लेट अस फॉरगेट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। वी शुड बी प्राउड दैट एट दिस वेरी यंग एज कबाली
have been chosen to be the people's leader. He will prove it in everybody's heart. Kabali, Yang Sei. हकीकत में उसे जो इज्जत मिल रही है ना, वो तुझे मिलनी चाहिए थी। रामप्रसाद के बाद उनकी जगह तुझे होना चाहिए था। यही तो गैंग का रिवाज है। मैं मुंह खोलूं तो गुस्सा आएगा। वैंग ली की जगह उसका बेटा टोनी लिया गया। मैं भी चाहता था मैं भी रामप्रसाद बन जाऊं। बनने देता हूं मैं। तू तो बड़ा दिल वाला है, सब त्याग देता है। पीले पीले। क्यों दोस्त? Excuse me. सारी कमाई सूट बूट में ही बहाओगे? हाँ श्याम, हम सूट बूट नहीं पहनेंगे तो और कौन पहनेगा? तुमसे भी कह रहा हूँ, पर तुम मानोगे तब ना। ये भी हमारा विरोध दिखाने का तरीका है। गांधी जी ने कमीज त्याग दी और अंबेडकर सूट बूट पहनते थे, इसके पीछे भी कई राज हैं। राजनीति बाद में बताता हूँ, ठीक है? ज्यादा चढ़ाना मत, बहुत से लोग आए हैं। कंट्रोल योरसेल्फ। आमिर चलो। जो भी हो, जज रहे हो तो। हेलो जेंटलमैन। श्याम भाई, आमिर से ले जाओ। भैया मेरे साथ। देखो श्याम भाई, श्याम भाई, कबाली भैया से मिलना है। क्यों? नहीं भाई, उन्हीं से काम है। मुझसे बोलो तभी उससे मिल सकोगे। भाई हम पेनांग से आ रहे हैं, वहाँ स्टेट में कुछ समस्या है, वही बोलने के लिए आए हैं। ए, वो रहे कबाली भैया, चलो चलो चलो। सुनो, थोड़ा बर्फ डालना। अरे डालना। श्याम प्रसाद, क्या कर रहे हो? राम प्रसाद का बेटा हूँ मैं। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे बोलता जा रहा हूँ, तुम बोतल उठा रहे हो, उसे जान से मार दोगे क्या? सब लोग जाओ, जाओ। क्यों रे? सब लोग तेरे पास ही आएंगे? तेरी औकात क्या है मत भूल। तुझे मेरे घर में लाना ही भूल थी। राम प्रसाद मेरा बाप था, उसके बाद वो जगह मुझे मिलनी चाहिए। तू कैसे आ गया? सब लोग सुन लो, आज के बाद सब कुछ मैं हूँ, सबको मेरे पास ही आना होगा। सबके सामने मुझ पर हाथ उठाए ना। कुछ नहीं, आज से मैं अलग हूँ। ओके ओके। अरे भैया, श्याम प्रसाद भैया, रुको ना, मेरी बात तो सुनो। लिसन टू मी, वेट। सुनो जी। हे श्याम, हे आजा यार, आ बैठ, तेरे बारे में ही सोच रहा था। सॉरी भैया, कल इन्होंने पी के बहुत बदतमीजी कर दी। मन में कुछ मत रखिए, रात भर ये सोए नहीं, उसी के बारे में बोल रहे थे। आपसे माफी मांगने के लिए इन्हें यहाँ ले आए। बहुत अच्छा काम किया, अब बैठ जा, बैठ। खा लीजिए भाई साहब। जरा संभाल कर रहना दोस्त, चारों तरफ दुश्मन है। ये ले, खा ले। कुछ भी हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने लोगों के सामने झगड़ा करके, चिल्ला के, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सिर्फ उसी के बारे में मत सोच, छोड़ना। आजकल मुझे हो क्या गया है समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अंबे माता के मंदिर में पूजा करवाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा कह रहे हैं। परिवार समेत जा रहा हूँ, तू भी चलना। मैं चलता हूँ, चलो रूपा। भवा
गोली। हथियार फेंक दे। रास्ते के भिखारी, ड्रेस तो देखो इसका। क्यों बे, पूजा करने के लिए भी सूट नहीं उतारेगा तू? सूट के साथ पैदा हुआ था क्या? निकालो इसका सूट। मत निकाल ले तो जी। ओ ए ए चल उतार ये। इस देश के खिलाफ हिंदुस्तानियों को भड़काया, मंदिर तोड़ने पर विरोध किया, जमीन की मांग की, हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके आंदोलन किया, ऐसे खतरनाक इल्जाम इन पर थोप के भाई कभी भी बाहर ना आ पाए, ऐसा केस बनाकर इन्हें अंदर कर दिया। अब तुम लोग जान गए ना, मैं बाहर वेट कर। अच्छी तालीम हासिल की है, जनता का भला करने की चाहत में गैंग में शामिल हो गए, लेकिन आज इनकी हालत। छोटी उम्र में पढ़ाई को ठुकरा के कट्टा चलाते हो, ड्रग बेचते हो, जब यहां से बाहर जाओ तो अच्छे विचारों के साथ जाओ। हर एक पंछी एक बीज साथ लेके उड़ता है, हर बीज के अंदर एक जंगल छुपा है, ऐसा नेक इरादा तुम्हारे अंदर भी है, हमें यकीन है ये तुम्हें भी हो। ऑल द बेस्ट। इसके मन में ऐसा एक इरादा है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा। माफ कर देना भैया। कोई बात नहीं, उसका गुस्सा जायज है, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। अपने दोस्त को कैसे तुम? चुप हो जा कुमार। आपने कैसे उनकी जान ली? मेरी माँ आज भी आपकी बहुत इज्जत करती है, लेकिन मैं कैसे करूँ? मेरी बात तो, मेरी आंखों के सामने मेरे बाप को जान से मार दिया था आपने। मैंने देखा था वहां पड़े उन्हें दम तोड़ते हुए। भैया। बेटा सॉरी, मानो ये मैं तुम्हारे पिता से कह रहा हूं। रुको जीवा, तुम खुद को बड़ा डॉन समझते हो, मां बनने वाली औरत को मरने दिया, बेचारी अपने बच्चे के साथ क्यों उसे जाने दिया? जाया क्यों नहीं? जा, नहीं कहेंगे।
कहाँ है मैं जानता हूँ। थाईलैंड में मैं देखा था। मेरे बाप के मन को बहला के उन्हें पिस्तौल लेके आपके सामने खड़ा करने वाला उबेड़ू ही था। सारे फसाद की जड़ वही है, उसे मत छोड़िएगा आप। आमिर। हाँ भाई बोलो ना। सोच रहा हूँ मीना को गोद ले। अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस लड़की का कोई नहीं, उसकी जिंदगी बन जाएगी। जब भी उस लड़की को देखता हूँ मेरे अंदर जज्बात की लहरें उठने लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही लड़की पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लगा हूँ। क्या किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी एक बेटी है। ए, ए, क्या कहा तूने? मेरी बेटी जिंदा है? ए बेडू, हे, हे।
से एक बार कहो बेटा। पापा। तुझे पागल पा लिया मैंने मेरे जीने मरने का मकसद। ए, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ पापा? ये मीना इस वक्त यहाँ की। मीना? कौन है वो? फ्री लाइफ में पढ़ती है। पांच गोली लगी थी उसे, इतने आसानी से नहीं मरा। कपाली के नाम से मौत भी डरती है। I already asked the police. They confirm that he is dead, but no body found. लाश नहीं मिली। कितने दिन हो गए? पेपर में भी साला कोई साफ साफ खबर नहीं। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। उसकी लाश को मेरे आंखों के सामने जलाने से ही मुझे चैन मिलेगा। ये सब देखने वाले को पहले टपकाना होगा। यस सर, सो कब बा। काम डाउन, काम डाउन। इट इज अस नाउ। 43. We run this. Nobody can with us. Nobody. Cheers. 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 Yogi ka phone. I'm really happy. इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है ये कबाली। बुरों के लिए बहुत बुरा हूँ मैं। मेरी बेटी आज मेरे साथ है। We will meet soon. आज हूँ मैं। Definitely. बहुत खूब। जरूर मेरा नाम लिया हो। उसके लौटते ही मेरा काम तमाम। प्लीज, आपके भरोसे तो मैं आया हूँ। कुछ तो कीजिए, कुछ कीजिए। एक बार कहिए कि वो मर गया, मेरे लिए वो काफी। मैल का शिकार करना बहुत आसान है। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। वो मुझे नहीं छोड़े। मैं भगवान को प्यारा हूँ। क्या हुआ पापा, आप इस तरह क्या देख रहे हैं?
पापा, बोले ना पापा। तुम सब कुछ पहले से ही जानती थी ना? हाँ पापा, बहुत पहले से नहीं, कुछ दिन पहले से। आपको मारने के लिए मुझे सुपारी मिली थी, तभी वेणु पापा ने कहा कि कपाली ही तेरा असली बाप है। मेरे बाप को मारने का काम मुझे ही सौंपा गया। मैं भी गन उठा के आपका पीछा करती रही ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। मैंने भी लाख कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन योगी ने वेणु को इसी हॉस्पिटल में भर्ती करा। और ऐसा क्यों किया? पुलिस वालों ने मरने वालों को अस्पताल में पहुंचा दिया था। वहां हमारे साथी मंगल की लाश को लेने के लिए मैं भी गया था। उन लाशों के बीच कबाली की बीवी की लाश भी थी। उसे मॉर्चरी में ले जाने के बाद थोड़ी ही देर में भाई, वो लड़की जिंदा है। अंदर जाके जल्दी आओ। वहाँ कबाली की बीवी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। मुकेश उसे देखकर डर के मारे भाग गया। तब मैंने जाकर ताई को बुलाया। उसी ने उसका प्रसव करवाया। उसने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। जिंदगी में मेरा तो अपना कोई नहीं था, इसलिए उसे अपना समझ के कबाली की बेटी को अपनी बेटी बना के पाला। लोकेश के साथ हुई समस्या की वजह से मैं थाईलैंड में आकर सेटल हो गया। उस बच्ची के आने के बाद मेरी जिंदगी में चार चांद लग गए, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। ड्रग्स के चक्कर में मुझे किसी ने चाकू मार दिया। उस दिन से मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे इस हाल पर पहुंचाने वाले को ढूंढकर उसने उसे गोली मार दी। फिर पैसों के लिए वही उसका पेशा बन गया। तब से लेकर आज तक मेरी बेटी योगी कबाली के पास जाने के बाद भी सगे बाप की तरह मेरी देखभाल करती है। कबाली की बीवी कहाँ है? वो वहीं पर मर गई। माँ मरी नहीं पापा, वो जिंदा है। माँ मुझे पैदा करते वक्त हसीमा नाम की दाई थी, ये वेणु पापा ने बताया। मैं आपको फॉलो करती थी। उसी दौरान माँ के बारे में जानने के लिए हसीमा जी को भी ढूंढ रही थी। जहाँ वो काम करती थी उस हॉस्पिटल स्टाफ को ढूंढ के उनसे बात करके आखिरकार हसीमा का पता लगा लिया। उनसे ही मुझे उस डॉक्टर के बारे में पता चला जिसने माँ का इलाज किया। कमोडियन अंतक हॉस्पिटल साके जीव सलाम बाबा बुलान। रूपा, उसे कुछ भी याद नहीं। कौन है, कहां से है, किसकी है, सर पे मार पड़ा इसलिए होश में आने के लिए भी उसे बहुत टाइम लगा। अचानक रोने लगती थी अपने पति और बच्चे के बारे में सोचकर। थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी तो उसे मैं अपने घर ले गई। काम करते करते वो फ्रीज हो जाती थी और आंखों से आंसू बहने लगते थे। मेरा पति आएगा मुझे ले जाएगा कहकर चौखट पर ही बैठ जाती थी। जो नहीं है उनके बारे में सोचकर जब भी वो परेशान होती थी तब उसका दर्द हम भी महसूस करते थे। उन दिनों मेरी चचेरी बहन माँ बनने वाली थी, देखभाल के लिए कोई चाहिए कहा बस चेन्नई में ही, सो मैंने ही उसे तमिलनाडु भेजा। मैंने सोचा हवा पानी बदलने से उसकी कंडीशन और ठीक हो जाएगी। बेटा चलो निकलते हैं, अभी जाकर तुम्हारी माँ को ले आते हैं, जल्दी चलो। ए आमिर, देखा तूने, मेरी रूपा आज भी मेरा इंतजार कर रही है और मैं सोचता था कि वो खुदा का शुक्र है उन्हें कुछ नहीं हुआ। ए जीवा, इधर भाई।
अपनी बीवी को, मैं अपनी बीवी को ले आऊंगा। अच्छा भाई। अभी इसी वक्त ले आऊंगा। वो स्टोनी ली और विजय सिंह के सामने उसे खड़ी करके कहूंगा, देख लो तुम लोग हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाए। चिल्ला कर कहूंगा, मलिका हमारी सारी परेशानियां दूर होने का वक्त आ गया है बहन, आ गया है वो वक्त। बिल्कुल बेटा, चलो चलते हैं, अभी इसी वक्त चलते हैं। क्या सोच रही हो? अभी कैसे पापा? क्या कैसे? हवा में उड़कर। उड़कर? क्यों, तुझे उड़ना नहीं आता? तू भी ना बेटा, कबाली की बेटी होकर कह रही है उड़ना नहीं आता है। हाँ। क्या देख रहा है, कुछ करना यार। मैं अपनी बेटी के साथ अभी इसी वक्त तमिलनाडु जाऊंगा। पासपोर्ट टिकट वगैरह का फौरन इंतजाम करो। सारा इंतजाम हो जाएगा भाई। दादाजी के जमाने में हम ये देश छोड़कर गए थे, तब से हमारे खानदान से इस धरती पर कदम रखने वाला है। मैं पहला आदमी। सुनो, प्लान पक्का है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, निपटा देंगे। ब्रो? हाँ। तुम हो? योगी। भाई, बाद में बात करता हूँ। अमर ने ही तुमको भेजा है ना? तभी तो बोर्ड उठा के खड़ा हूँ। योगी तुम ही हो ना? आजा, मेरा नाम है जय। अमर को तुम जानते हो ना? उन्होंने ही मेरे बड़े भाई से बात करके मुझे यहाँ भेजा है। भाई का नाम है धर्मा, धर्मा भैया। एक छोटा सा मसला था इसलिए वो नहीं आए। डरने की कोई बात नहीं, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। अतिथि देवो भव, हम हिंदुस्तानी है साहब। आइए, लो पकड़ो। ए, गाड़ी ले गया। साहब, आपको भूख लग रही होगी, रास्ते में कहीं कुछ खा के जाएंगे? कोई जरूरत नहीं, सीधे होटल ले चलो। ए, सीधे होटल चलो। भैया, मैनेजर को बुलाओ जल्दी। आइए सर। Welcome to Chennai. Thank you. It's a pleasure to have you here. Thank you very much. Please, please, please. DJ sir. Brother, Raju, तुमको और कुछ चाहिए? हाँ? क्या हुआ योगी? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। हाँ। पापा, मैं देखती हूँ। ये मेरे भाई का कार्ड है, पीछे मेरा नंबर भी है, तुम्हें जब भी कुछ मदद चाहिए तो मुझे फोन करना। अगर किसी ने डोरबेल बजाई तो कौन है पूछकर कंफर्म करके दरवाजा खोलना, समझ गई ना? चारों तरफ लड़कों को तैनात किया है, घबराओ मत, बिल्कुल सेफ हो। मैं बगल वाले कमरे में ही हूँ, तो चलो। बोलो भैया। 806। आप बेटी दो ही है, काम हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है। कबाली, कैन अ सिंगल मैन एलिमिनेट द होल एम्पायर? नो, बिकॉज ऑफ हियर वी विल टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। एनीवन हु डिसएग्रीज, वेल, दे विल डिसअपीयर एंड वी विल मार्च अहेड। एंजॉय योर सूप।
चुप, ताजा चुप। Kabali is around. Is it possible? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। You guys must do that first lah. Then we can talk about doing business in peace. Sorry, Tony. I need to go. देखने से तो वो लड़का अच्छा लग रहा है। ऐसा मत सोचो, शक्ल में क्या रखा है। बताओ तुम इतना डरती क्यों हो? तुम ऐसी तो नहीं थी। कभी अपने चेहरे पर डर मत दिखाना। दुश्मन को पता चल गया कि हम डर गए हैं तो वो उसका फायदा उठाएगा। पापा, ये क्या पापा? क्या कह रहे हैं? डर? और मुझे? मैं योगी हूँ। नमस्ते साहब, मैं हूँ धर्मा। अमीर भाई ने भेजा है। धर्मा, आओ आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। अमीर ने सब बता दिया सर, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सब मैं देख लूंगा। बैठिए। थैंक यू। और बताइए साहब, सब ठीक ठाक है ना? एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू, थैंक यू। वो आपने बेल ज्यादा बजाई ना, यहाँ गड़बड़ हो गई। सॉरी सर, माल पीकर टल्ली हो गया था। सर वो एड्रेस दे दीजिए। वो एड्रेस देना बेटा। सर आपकी कहानी सुनी, उस वक्त अगर माल पिया होता तो मैं जरूर रो पड़ता। माल लगाने जाएंगे साथ? या नीचे ही है, सब हमारे कंट्रोल में है। नहीं, मुझे वो आदत नहीं है। इतने बड़े आदमी होकर आपको माल पीने की आदत नहीं क्या साहब? आप भी ना, मलेशिया में माल गलत तरीके से लड़कियों के लिए बोला जाता है। योगी, माल से इनका मतलब है विस्की, ब्रांडी वगैरह। ओके सर, यही है। जय, ये लो, ये पता कहाँ का है देखो। यहाँ लिखा है CTR बंगला, अम्बेडकर हॉल। अरे अपना मेमोरियल हॉल। बंगला हम पता लगाएंगे। ए, वो खिलौना देना। ले लीजिए साहब, रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं। मैं दो लड़कों को यहाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो सब देख लेंगे। बहुत खूब साहब, बहुत अच्छा लगा सुनकर, ये बहुत खूब। नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तुम लोग काम शुरू करो। नहीं, संभाल लेना, आज के बाद 43 का राज होगा। क्या विक्रम? सर मैंने बात की है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए देख लेते हैं। साथ नहीं है, उसके पति को और बच्चे को किसी ने उसकी आंखों के सामने ही मार दिया। उस हादसे के बाद वो पागल सी हो गई। अच्छा आप कौन है? मैं उनका पति, ये हमारी बेटी है। हाँ? मतलब आप लोग मरे नहीं? हे भगवान, ए फोन दे, अब अमेरिका में रात होगी, ट्राई करता हूं। मेरी बेटी फोन नहीं उठा रही है, उठाते ही पूछ के बताता हूँ। आप जाके कल इसी समय आ जाइए। उन्होंने कॉल रिसीव किया है, बात कीजिए। हेलो, बोलो बेटी, कैसी हो? बच्चे सब अच्छे हैं ना? बेटी देवी से मिले कोई आया है? वही मलेशिया वाली को, पेनी लोग के घर फ्रांस में। ओहो ठीक है, उसका पति
सूट-बूट पहनकर मस्त आदमी है, बेटी भी आई है, दोनों बड़े अच्छे लोग हैं। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है अच्छी बात। मेरी बेटी की फ्रेंड फैनी लो, फ्रेंच औरत, उसी के साथ है, फ्रांस में ही रहती है, फिलहाल पांडिचेरी में सेटल है। कह नहीं सकते, हो सकता है फ्रांस लौट गए। मेरे पास फोन नंबर एड्रेस है, देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारी बीवी बार बार बोला करती थी कि मेरा पति आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा, वो तुम्हारी राह देख रही है, जल्दी जाओ जाओ। रूपा जी यहीं पर रहती है ना? हेलो, वेयर इज पेनेलोप? प्लीज मैडम, हेलो, मुंह बंद कर, ज्यादा बात मत कर चुड़ैल। यहाँ नहीं है सर, इन्हें भी नहीं पता, आसपास किसी से पूछ लेते हैं, कहीं तो होंगी। सुनिए साहब, देवी दीदी को ढूंढ के आए हैं ना? हाँ, वो यहीं पे रहते थे। पेनेलोप मैडम है ना, पेनेलोप मैडम उन्हें और फ्रेंड्स कहने पे ले गए, उसे वहीं जाकर मिलिए साहब। सब विदेशी लोग हैं, इसीलिए अंदर जाने के लिए मना किया। आप दिल छोटा मत कीजिए सर, कल सुबह हर हाल में उनसे मिलेंगे, ठीक है ना साहब? ए तू ऊपरी रह, सबको चौकन्ना रहना होगा। ए रुबल स्विमिंग पूल के पास आ, संजय गाड़ी निकाल। ए सब लोग सावधान रहना, तू मेरे साथ चल। ए कुछ भी हो तो फौरन मुझे खबर करना। पापा मैं देखती हूँ। ये वही है। ये क्या समझते हैं आपको? क्या चाहिए? कुछ भी हो मुझे बताओ। कहाँ था मुझे बताओ। चलो तो। साहब, मौजूद है आपकी रूपा देवी। मैंने देखा। अंदर जाने के लिए उन लोगों ने मना किया। मैं दीवार कूद कर गया। सुबह तैयार नहीं है। एक साथ चलते। ओके है ना? पहले लोग से बात की मैंने। बहुत कुछ है। सुबह चलते। पापा, चार बज गए, अब अभी तक सोए नहीं? फिर क्या पापा, जाके सोए ना। इतने साल न जाने कहां दूर रहती थी, वो आज यहीं आसपास कहीं है। अब वो कैसे सोती होगी, मुझे देखते ही वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या कहेगी, ये सब सोचता हूँ तो दिल जोरों से धड़कता है बेटा, जी घबराने लगता है, अपनी धड़कन में खुद सुन सकता हूँ। तुम क्यों जाग रहे हो, जाओ सो जाओ। देवी से मिलने जा रहा हूँ ना। तो फिर चलें। चलते हैं सर। हाँ। चलिए काम। आ जाओ आ जाओ। Thank you.
आइए ना। अरे ये क्या, अब बता भी दो। कम गो नाउ। मेहरबान हुई इम्तिहान की ये घड़ी, मिल गई मुझे आसमानी ये परी। सच है या सपना देखूं आंखों को मल के, खुशियों के आंसू छलके छलके। मर मर के जीना मेरा, कल के तुम मर गई हो क्या कर सब लोग? मैं तो मर ही चुकी थी, जब तक तुम ना आए तब तक। जादू रवा रवा देखो यहाँ वहाँ, उजली जुल्फ में हम हैं जवा जवा। जादू रवा रवा देखो यहाँ वहाँ, उजली जुल्फ में क्या हम इस तरह खुशी खुशी 2 साल रहे होंगे? पूरे 2 साल, 2 महीने और 18 दिन। पिछले 25 सालों में उन लम्हों की यादों के अलावा मेरे पास था ही क्या? एक नई है सुबह, नया ख्वाब है आंखों में। तू है मेरे साथ मगर तन्हा यह सांस में। बोलते हो इत्मीनान से, बोलो। यादों के गुलों में कोई जुगनू तो लगे, काली रातों में। तो चलें। एक मिनट। जाओ जाओ भी। Thank you.
सर आइए। हाय मिस्टर किशोर, मीट माय वाइफ। यहीं से वेटिंग लॉन में चलते हैं। हे, क्या हो रहा है यहाँ? आमिर कहाँ है? और जीवा कहाँ? क्यों दो दिन से फोन नहीं लग रहा? टेंशन मत लीजिए, हालात बदल गए, जल्दबाजी में गलत काम ना हो। जल्दबाजी? क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? कमाली साहब, पूरे स्कूल को तोड़ दिया है। अमीर भाई को उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचा दिया साहब, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ए, चुप। सर, अभी कुछ नहीं, मेरी बात तो सुनिए। फिक्स कर ले बस, तू अगर ये काम करेगा तो तुझे जो भी चाहिए। शिवा तो वैसे ही टपक गया, फुल केएल का कंट्रोल तेरे अंडर। केएल पूरा? सुनकर ही मजा आ गया। मैं तैयार हूँ। कमाल का लड़का है तू, सुपर। चला जा, टोनी गाड़ी में वेट कर रहा है, जाके मिल ले। टोनी ली? आमिर भाई, टोनीली के आदमियों ने घेर लिया था, मैं किसी तरह बच गया, बाद में कॉल करता हूँ।
तुझे पता तेरे बाप को कितने बड़े ओहदे पर होना चाहिए था। कबाली के आने से पहले मैं और तेरा बाप गहरे दोस्त थे। तेरे दादा राम प्रसाद के लिए हम दोनों ही सब कुछ थे। राम प्रसाद के बाद श्याम प्रसाद आएगा सोचा था, न जाने ये कहां से आ गया। पल भर में तेरे बाप को उसकी आंखों के सामने पीछे धकेल कर खुद आगे बढ़ गया। श्याम प्रसाद ने तकलीफ उठाई है, श्याम प्रसाद ने मेहनत की। जब एक गैंग लीडर मरता है तो उसका बेटा ही अगला लीडर बनता है, यही रिवाज है। यही तो पूछा था तेरे बाप ने, फिर क्यों मारा उसको? उसकी बीवी की मौत की वजह से ना, लेकिन अब उसके पास उसकी बीवी है और बेटी भी। लेकिन तू और तेरी माँ इस हाल में उसकी गुलामी कर रहा तू। तूने तो बाप का नाम रोशन कर दिया रे गद्दार। It's about time to put everything to an end, and you can make that happen. If you want to be Ram Prasad, jaisa main kehta hu waisa kar. आज एंगली का 100वां जन्मदिन है, रात को सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आपको भी इनविटेशन आया है, वहां गए तो सभी लोग मिलेंगे, ठिकाने लगा सकते हैं। इसके बाद ऐसा चांस तो कभी नहीं। चुप कर कुमार, जहां देखो उनके आदमी है। अभी रहने दो, कुछ दिन बाद उसे ठिकाने लगाते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी वाह अमीर भाई, अगला नाम इस तरह बढ़ते जाएंगे। यही हमारा आखिरी चांस है, इससे हमने अगर मिस किया। योगी। हाँ पापा। माँ से तैयार होने के लिए कहो। जी। हम अभी जाएंगे। कबाली इस कमी होना है। बी रेडी।欢迎各位到他家欢迎。 You feel the ground shake like an earthquake. Nowhere to run, it's too late. Yeah, I got stuck. From the city to the estate. Yeah, I got stuck. Separate good from the great. Keeping it straight on me since the 80s. Untouchable, aka Kamali. Fighting for what's right, standing up for the weak. Looking black, keeping ass in a suit and hot and stick. Happy birthday, Loki. Listen up, listen. This is my wife, this is my daughter. कैसे हो तुम दोनों? एक मुद्दत के बाद मिले हो। दोनों वाकई चमक रहे हो। नो वरीज, बस यूं ही मिलने चला है। रूपा आप इन्हें पहचानती हो? वो भला कैसे भूलेगी? मैं नहीं भूल सकती, ये मैं हूं कबाली की पत्नी।
और ये मेरी बेटी योगिता। अच्छी तरह देख लो। चलो जी। At least, एक दिन तुम फैमिली के साथ खुशी से चैम से सो जाओ। Well, was that बहुत cool. Yeah, बहुत cool. आज मैं चैन की नींद सोने वाला हूँ, लेकिन तुम लोग बहुत cool. मैंने मऊ जब
तक मैं जिंदा हूँ तू हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा। मेरे पूर्वज गुलाम जरूर थे पर मैं हुकूमत करने के लिए जन्मा हूँ। कबाड़ी कबाली की बेटी अब हमारे कब्जे में है। ईस्ट विंग के शोरूम में आ। कबाली को यहां बुला के खत्म कर देंगे। मेरे बाप की मौत का हिसाब देना होगा उसे। कबाली की बेटी अब हमारे कब्जे में है। ईस्ट विंग के शोरूम में आ। The place. Ask him to come to us. On the doors. अब बुलाओ उसके बाप को वो आएगा। टोनी ली और विजय सिंह ने मुझसे मिलकर बात की। मैं आपके साथ दगा करूं आपको उनके हवाले कर दूं। ऐसा किया तो मुझे अगला रामप्रसाद बना देंगे। जैसे मेरे बाप को खरीदा वैसे मुझे भी। उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं रामप्रसाद का पोता हूं। कबाली साहब के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा हजार बार। इंतजार था मेरे साथी के करेक्ट टाइम पर आया है। यस टोनी, मैं बिल्कुल सही वक्त पर आ गया हूं। इस मुलाकात का बहुत दिनों से इंतजार था मुझे। लुकिंग गुड द सूट फिट्स परफेक्टली फॉर यू। शेशे, बहुत खूब। इन कपड़ों की स्पेशलिटी यही है। इसे चाहे अमीर पहने या गरीब, इसे जात पात शानो शौकत का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इसे पहनने वाला जो इंसान है उफ, 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 उफ। अगर अगला जन्म होना तो इंसान बनकर जन्म नहीं लेना चाहिए। Yes, for sure. तुम्हें तो इंसान बन के पैदा नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो। After all, तुम एक I have an idea. You should be a dog. My dog.
अबे ओए, अपने घर बार गांव सब कुछ त्याग कर यहाँ आकर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर सोना उगाने वाली जमीन बनाने वाले हम लोगों को यहाँ के लोग भी कुचल रहे हैं, चीन से आए तुम लोग भी मार रहे हो, इसमें हमारे अपने लोग अलग। हम हिंदुस्तानियों को हमेशा गुलाम बनाकर ही रखोगे? हमें आगे बढ़ने का हक नहीं? और अगर कोई गलती से आगे बढ़ जाए, थोड़ा ताकतवर बन जाए, सूट बूट पहनकर पाँव पे पाँव रखकर तुम्हारे सामने बैठ जाए तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता? मैं तो एक मामूली परिवार का था, अब भी लौटा तो पेड़ काटूंगा, पत्थर तोड़ूंगा, बैल की तरह मेहनत करूंगा। खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरा आगे बढ़ना ही तुम्हारा मसला है तो मैं आगे बढ़ूंगा, सूट बूट भी पहनूंगा, पैर पे पैर रख के बैठूंगा स्टाइल से सिर उठाकर। अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता तो जहन्नुम में जाओ। आज के बाद तुम ही किंग हो, यू आर द किंग। We'll be right back.
कांग्रेचुलेशन. थैंक यू वेरी मच. वेलकम दत्तो. आइए पापा. ए मीना, प्लास्टिक के पैकेट में डाल के देना. एक और दीजिए. यस भाई, चीज के अपने मीना है. हमारे स्कूल के मैरिज में यही संभाल रही है भाईजान. अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है. हाँ पापा, दीदी सच करी, अब तो मैंने रोना छोड़ दिया है. वेरी गुड. रूपा, हमारी देखभाल के लिए अब एक और लड़की भी है. मीना है ना. मैं भी यही सोच रही थी. थैंक यू. मैंने अभी SPM का एग्जाम दिया है. 2 महीने में रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी क्या होगा. ये पढ़ने में होशियार है, मेरा पास होने का कोई चांस नहीं है. लेकिन हम दोनों की हालत एक जैसी है. हम जैसे बच्चों का गलत इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है. लेकिन हम जो भी पढ़ें, कुछ भी करें, यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत कम है. मनपसंद सब्जेक्ट मिले बगैर जो मिलता है उसे अपनाकर कोई भी कोर्स पढ़ना पड़ता है. वो भी ना मिलने पर प्राइवेट कॉलेज में पढ़कर कर्जदार बनो. ये सब मुझसे क्यों कह रही हो. हमें लगता है कि सिर्फ आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं. मैं गुंडा हूँ, दुनिया कहती है. मानता हूँ कि गुंडा हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा गुंडा. मुझसे क्या उम्मीद करती हो.